हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका गैस स्टेशन सिमुलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने जो अपना गैस स्टेशन है ना, इसको कर लिया था अपग्रेड। इसके बाद हमने कुछ अचीवमेंट वगैरह भी अनलॉक की थी, जिसके बाद हमारा जो पुराना सा डस्ट बाउल वाला लोगो था ना, वो हमारा कुछ ऐसे बन के रेडी हो गया था। इसके बाद हमने अपने गैस स्टेशन पे बनाया था एक बस स्टैंड, जो देखने में काफी मस्त लग रहा है अपने गैस स्टेशन पे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पिछले पार्ट की बात, अब हम आज की वीडियो पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो आज की गेम प्ले वीडियो में भी हम करने वाले हैं अपने गैस स्टेशन को अपग्रेड। तो ठीक है, जल्दी से अपने पीसी पे चल के अपने गैस स्टेशन को पहले है ना अपग्रेड कर लेते हैं और लेवल 4 पे पहुंचा देते हैं अपने गैस स्टेशन को। ठीक है, तो पीसी पे जाके अपग्रेड पे जाके और यहाँ से हमें करना है अपग्रेड। अपग्रेड करने में अपने लगेंगे पूरे $1000 और अभी अपने पास है $2593। ठीक है, तो यहाँ पे अपग्रेड पे चल के हम भाई $1000 यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें क्या क्या चीजें अनलॉक होने वाली हैं? दी कार वॉश, न्यू सेल्फ, ठीक है, एडिशनल फ्यूल डिजास्टर, काफी सारी चीजें अपनी है ना अनलॉक होने वाली हैं। और एक मस्त बात ये है कि आज की गेम प्ले वीडियो में अपने गैस स्टेशन पे शायद कार वॉश भी लग जाए। ठीक है, तो जल्दी से है ना गैस स्टेशन को कर लेते हैं अपग्रेड, जल्दी से दबा देते हैं। ओके, गैस स्टेशन अपना अपग्रेड हो चुका है। ओके, ठीक है, चलो गैस स्टेशन तो अपग्रेड हो गया, एक बार चल के और देख लेते हैं अपग्रेड होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमारे गैस स्टेशन पे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो यार, कितना बड़ा हमारा यहाँ तक गैस स्टेशन हो चुका है। देखना भाई, गैस स्टेशन कितना बड़ा हो चुका है और यहाँ पे भी एक रूट गैस लिखा हुआ आ चुका है। तो भाई गैस स्टेशन में काफी सारे चेंज हुए हैं, शायद कोई टॉयलेट में भी चेंज हुआ हो, मैं एक बार है ना जाके देख लेता हूँ, शायद टॉयलेट में भी कुछ चेंज हुए हैं। लेकिन नहीं भाई, अभी तक तो कोई चेंज नहीं है, शायद मेरे को है ना पीसी पे जाके चेंज वगैरह करने पड़ेंगे। तो अभी है ना शायद मेरे चाचा जी का फोन आ गया है, पहले तो मैं है ना अपने चाचा जी का फोन उठा लेता हूँ, देखते भाई क्या कह रहे हैं अपने चाचा जी। ठीक है, तो फोन मैंने उठा लिया है। ओके, आई विल से स्ट्रेन, आई नीड फियर। ओके चाचा जी बता रहे हैं भाई जल्दी से है ना आप कहीं जाके छुप जाओ, क्योंकि है ना यहाँ पे बहुत ही तगड़े वाला तूफान आने वाला है। देखना भाई उस साइड से, वहां पे तो बिजलियां भी कड़क रही हैं। ठीक है यार, तूफान आने के बाद बस अपना गैस स्टेशन ना उड़ जाए, पता चले यहाँ से उड़ के अपना गैस स्टेशन वहां पहाड़ों पे जा गिरा। वेदर आउट दी सैंड स्ट्रॉम, तो है ना भाई साहब क्या बिजली गिरी है यहाँ पे। तो अभी है ना मेरे को सैंड स्ट्रॉम जाने का इंतजार करना पड़ेगा, मैं एक बार है ना अंदर आ जाता हूँ भाई, पता चले मेरे ऊपर ही बिजली गिर गई तो गैस स्टेशन को कौन संभालेगा। देखना यार कितनी ज्यादा धूल मिट्टी हो चुकी है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा यार, बस जल्दी से चल जाए भाई ये सैंड स्ट्रॉम, उसके बाद देखते हैं। शायद मेरे को लग रहा है कि गैस स्टेशन में है ना काफी सारा नुकसान हुआ होगा। और चलो भाई, हमारा सैंड स्ट्रॉम जा चुका है, मतलब इस साइड चला गया, अभी इस साइड से आया था। ओ भाई साहब, एक बार दोबारा से अंदर चला जाता हूँ। चलो भाई, अपना सैंड स्ट्रॉम पूरी तरह से जा चुका है और अपना टास्क भी सैंड स्ट्रॉम वाला कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या रखा है, रिस्टोर दी कारवास। भाई अभी हम अपने गैस स्टेशन पे कारवास लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले है ना मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे कुछ चीजें लगा दिया। एक तो ये वाला जो न्यूज पेपर स्टैंड है ना, ये वाला लगा दिया है, और यहाँ पे एक आइसक्रीम की स्टॉल सी लगा दी है, और एक कार केयर के लिए यहाँ पे भी मैंने एक सेल्फ रख दिया है। बाकी तो मैंने और कुछ चेंज वगैरह नहीं किए, तो जल्दी से भाई कार वाश वाला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अभी अपने को है ना कार वाश पड़ेगा पूरा $1000 में, और मेरे पास है $1593। तो मैं यहाँ से रिस्टोर कर देता हूँ और कार वाश हमने खरीद लिया मस्त। देखते हैं एक बार कार वाश हमारी कहाँ पे आई है गैस स्टेशन पे। ठीक है, जल्दी से चल लेता हूँ, और उससे पहले है ना मैं अपने गैस स्टेशन को भी ओपन कर देता हूँ, ताकि भाई हमारे पास कुछ पैसा आ सके, क्योंकि मैं रात को सोता हूँ ना तो अपने गैस स्टेशन को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने गैस स्टेशन को ऑन कर दिया है, और जल्दी से चल के देख लेते हैं भाई कार शॉप। देखना यार कितनी तगड़ी लग रही है भाई, देखना कितना मस्त चमक रहा है कार वॉश, और ऊपर लिख रखा है Route 66। ठीक है, तो अभी हमें है ना वेट करना है यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर आने का, अभी हमारा टास्क यही है। तो एक बार मैं है ना फर्स्ट कस्टमर आने का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम क्या कर पाएंगे। और वेट करने के साथ साथ है ना मैं एक बार गैस स्टेशन पे भी घूम के देख लेता हूँ कि कहीं अपने गैस स्टेशन पे कोई चीज टूट फूट तो नहीं गई तूफान के कारण। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे बिजली पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। चलो ठीक है भाई, नुकसान नहीं हुआ तो अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ धूल मिट्टी के शायद ये वाली चीज मेरे को नहीं भाई, ये रूट पे होती ना तो मेरे को ये हटाना पड़ता, ये कूड सा। चलो ये भी अच्छी बात है, शायद हमारे पास कार वॉश में अभी कस्टमर आने लग चुके हैं। देखते हैं भाई मैं कार वॉश किस तरह से साफ कर पाऊंगा। ओके, ये वो वाली कार गई भाई अपनी कार वॉश में। चलो यहाँ पे चलते हैं और इंतजार करते हैं भाई कार वॉश करने का। ठीक है, बंदा उतर चुका है, अभी हमें कार वॉश करनी है। तो टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कस्टमर आ चुका है कार वॉश पे। वॉश दी कार क्लीन, यूज दी वाटर पिस्टल,
इसके साथ हमें वाटर पिस्टल यूज करनी है, और गाड़ी पे भाई ऐसे फुहारा सा करना है, गाड़ी हमारी धुल जाएगी। ये लो भाई गाड़ी कैसे नहीं धुली, क्योंकि यहाँ पे है ना लो प्रेशर हो चुका है यार, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो गई भाई अपने गैस स्टेशन पे, क्योंकि मैं ऐसे का देखना भाई अब तो चल ही नहीं रहा, क्या हो गया? चल जा भाई, कस्टमर क्या सोचेगा यार, पहली बार तो हमने कार वॉश वाला सिस्टम लगाया है और पहला ही कस्टमर की मैंने कार नहीं धुलाई, तो यार ये तो दिक्कत हो गई, क्या करूँ मैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं, एक बार शायद यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से ऑन कर दिया है अभी हम शायद कार, लेकिन भाई अभी भी कार वॉश नहीं हो रही, क्या हो गया? फाइंड दी सीवरेज इंट्रेंस इन दी जंक यार्ड, शायद अपने जो सीवरेज वगैरह है ना वहीं से वाटर पंप की कोई सप्लाई आती है, शायद वहां पे जाके मेरे को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो अपना एंड्रयू है ना उसको मैं कोई टास्क दे देता हूँ, ताकि अपने कस्टमर को वेट वगैरह ना करना पड़े। तो एंड्रयू अपना यहाँ पे है भाई, इसको मैं क्या क्या काम दूँ, इसको पहले मैं है ना, एक मिनट रुको, इसको मैं पहले कैश काउंटर पे भेज देता हूँ, वहाँ पे ये बंदों को संभाल लेगा। ठीक है, इसको भेज, क्या हो गया, पे दी, अच्छा पहले भाई इसके पैसे देने पड़ेंगे, उसी के बाद काम करेगा ये। ठीक है, तो पेमेंट इसकी मैं कर देता हूँ, और अभी इसको दोबारा से टास्क पे जाके और हैंडल दी रजिस्टर कर देते हैं, अब ये भाग भाग के चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी सीवरेज इंट्रेंस इन दी जंक यार्ड, हमें अपने जंक यार्ड में जाना है, उसके बाद कोई सीवरेज वगैरह है यहाँ पे भाई, क्या क्या है अपने गैस स्टेशन पे देखना यार, कितना तगड़ा सा सीवरेज लग रहा है। ठीक है, ये वाला टास्क तो कंप्लीट हो गया, अभी क्या करना है, एक्सप्लोर दी सीवरेज, इसको एक्सप्लोर करना है। तो अंदर चलते हैं, तो देखना यार कितनी गंदी सी आवाज आ रही है भेड़ियों की, भाई अंदर भेड़िए ना भाई, क्या है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, और शरारती बच्चे के काम देखो भाई, वो है ना यहाँ पे भी नहीं डरता, देखना यार यहाँ पे भी उसने ये वाले गंदे गंदे से स्टिकर बना रखे हैं, और भाई अंदर से काफी गंदी गंदी आवाजें आ रही हैं। चलो मैं इस तरफ से आया था, तो मैं इस साइड और जाके देख लेता हूँ, शायद यहाँ से अपना वाटर पंप ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे है ना लीकेज सा हो रखा है, तो मैं एक बार है ना इसको घुमा के देख लेता हूँ। चलो इसको तो घुमा दिया, लेकिन अभी भी यही बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर दी सीवरेज, चलो मैं आगे जाके देखता हूँ। और भाई कितना बड़ा सीवरेज सिस्टम है भाई अपने गैस स्टेशन पे। ओके, और यहाँ पे भी शायद कोई रास्ता है, तो एक बार मैं ये वाले ड्राम से हटा के अंदर चलता हूँ। ठीक है, देखना यार कितना ज्यादा कचरा सा है भाई यहाँ पे, और उस बच्चे के काम देख लो भाई, यहाँ पे भी टट्टी बना के गया है। ओके, ये वाला गेट बंद है, और यहाँ से शायद मैं निकल सकता हूँ, नहीं भाई, डोर लॉक्ड, फाइंड ए वे टू अनलॉक दी डोर, शायद अभी अपने को सीधा चलना है, यहाँ पे भी टट्टी का निशान है, और ये कहाँ पे आ गया भाई, मैं गैस स्टेशन है या क्या है भाई ये। ओके, और यहाँ से अपने को कहाँ पे जाना है, यहाँ पे तो रास्ता ही बंद हो गया, यहाँ से पता नहीं यार कहाँ पे जाना, रास्ता ही बंद हो गया, लेकिन अपना टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक बार मैं इस साइड जाके देखूँ, इस साइड जाके देख लेते हैं, यहाँ भी बंद है भाई गेट, कहाँ पे जाऊँ मैं, एक बार इस साइड जाके देख लेते हैं। ओके, ये तो मैं वहीं पे आ गया, शायद ये वाला गेट ओपन होगा, नहीं भाई, और यहाँ से तो मैंने घुमाया ही था, कहाँ पे जाऊँ मैं, इस साइड चल के देख लेते हैं, तो ये भी बंद है, और इसी साइड से मैं आया था। चलो मैं दोबारा से एक बार है ना इसी साइड जाके देख लेता हूँ, शायद मेरे को कोई रास्ता मिल जाए। चलो दोबारा से मैं इस कमरे में आ गया, शायद अपने को है ना यहीं पे कुछ मिलेगा भाई, इसको ओपन कर दिया, अभी भी हमारा टास्क भाई कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हो गया। ठीक है, दोबारा से बाहर चलते हैं, बाकी भाई बच्चे ने एक काम मस्त किया है, जहाँ पे टट्टी है ना भाई वहीं पे टट्टी का निशान लगाया है, यहाँ पे मस्त लग रहा है भाई, लेकिन वो यार अपने गैस स्टेशन पे टट्टी का निशान लगा देता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गलत बात है उसकी। ठीक है, तो मैं, हाँ यहाँ से निकला जाएगा, क्योंकि पहले है ना ये लाल बत्ती थी और अभी ग्रीन हो चुकी है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। भाई कहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे तो काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा है। ठीक है, और अंदर चलते हैं, और भाई साहब, ओ भाई भाई ये काट तो नहीं लेगा ना, एक मिनट मैं एक बार इसको क्रॉस कर देता हूँ, क्या पता चले खा जाए मेरे को। ठीक है, और अंदर चलते हैं, भाई कितने सारे रास्ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला रास्ता बंद है, और इस साइड जाके देखेंगे तो ये वाला भी रास्ता बंद है, यार कहाँ पे जाना है इसमें। ओके, यहीं पे जाना है शायद, यहाँ से मैं नीचे गिरने वाला हूँ। ओके, और अपना टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, अभी अपने पास एक टास्क आ चुका है, क्लीन अप दी वाटर पंप ट्रेस, यहाँ पे कितना ज्यादा शोर हो रहा है भाई इस पानी का। ठीक है, तो अपने को ये वाला जो ट्रेस है ना ये यहाँ से ऐसे निकालना है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे निकालना है, एक बार मैं सारा का सारा ट्रेस है ना यहाँ से मैं निकाल देता हूँ फटाफट।
चलो ये लास्ट वाला ट्रैश है, इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। अपना टास्क कंप्लीट हो चुका है और आपको मैं एक मस्त चीज दिखाऊं भाई, ताकि अपने को ये ट्रैश है ना बाहर ना गिरना पड़े। यहाँ पे जो एलिगेटर है ना ये बहुत ही ज्यादा भूखा है, देखो भाई कैसे खा जाता है। भाई साहब इसने रोंगटे खड़े कर दिए भाई एकदम, देखना यार कैसे खा जाता है। तो ठीक है अभी हम टाइम पास नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो हमें निकलने के लिए ना शायद यहाँ पे जाना है। ओके यहाँ पे जाके, और एक मिनट यार वो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है एक बार ये देख लेता हूँ मैं। पता नहीं यू फाउंड ए कार्ट, ये पता नहीं भाई क्या चीज़ थी। ठीक है दोबारा से नीचे चलते हैं और कहाँ से निकलना पड़ेगा, शायद हम जिस रास्ते से, अरे ये भी खुल जाता है। ठीक है शायद अपने को कोई शॉर्टकट मिल चुका है, क्या हो गया भाई निकलने दो। ओके यहाँ पे कोई, अरे भाई एक मिनट यार मैं तो बिल्कुल गैस स्टेशन के पास ही आ चुका हूँ। अंदर से देखना यार कितनी गंदी गंदी बदबू सी आ रही है। चलो अपना ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और एक हमें मस्त चीज का भी पता चला है कि हम यहाँ से भी सीधा अपने सीवरेज वाले एरिया में जा सकते हैं। ठीक है तो अभी हमें क्या करना है, ओपन दी कार वॉश, तो हमें यहाँ पे जाके अपनी कार वॉश वाले सिस्टम को ओपन करना है। अभी हमारे पास कोई, एक मिनट रुको चला के देख लेता हूँ ये क्या आ गया, ग्रैब दी वाटर गन। ठीक है एक बार पढ़ के देख लेता हूँ। चलो पढ़ लिया यार कुछ खास नहीं है, ये यही बता रहे हैं कि आपको है ना लेफ्ट क्लिक से ऐसे चलाना है और माउस को स्क्रोल करोगे तो आपका जो स्प्रे पंप है ना उसकी ये वाली टिप बदल जाएगी और इससे हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। चलो ये वाली सारी चीजें देख ली, अभी हमें क्या करना है, सर्व दी फर्स्ट कस्टमर इन दी कार वॉश। ठीक है अभी हमें कोई कस्टमर आएगा उसको सर्व करना है। चलो अपना ये वाला टास्क भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमने बस अड्डा बनाया था ना भाई उसके साथ हमें काफी ज्यादा बिक्री हो रही है हमारे गैस स्टेशन पे। तो यहाँ पे देखो यार कितने सारे बंदे हमारे पास आ रहे हैं और चीजें वगैरह खरीद रहे हैं। एक बार मैं अपने पीसी पे जाके फीचर्स डेकोरेशन में मैं ना अपने गैस स्टेशन के लिए कुछ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या चीजें खरीद सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने गैस स्टेशन के अंदर रखने के लिए काफी सारी चीजें खरीद सकता हूँ और यहाँ पे भी काफी सारी चीजें हैं। हिरण बहुत ही मस्त है भाई, ये वाली खरीद लेते हैं। ओके और स्टैंडिंग में ये वाला जो स्टफ्ड बियर है ना ये काफी महंगा है तो ये नहीं खरीदने वाला, ये वाले ले लेते हैं लाइटें। ओके दो चीजें मैंने अभी डेकोरेशन के लिए खरीद ली हैं तो मैं अपने गैस स्टेशन पे रख देता हूँ। देखना भाई कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है, अपने एंड्रयू की भाई रेल बनी हुई है। तो एक बार मैं ना जो मैंने चीजें खरीदी है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको एक बार दोबारा से उठा के कहाँ पे रखूँ। ठीक है यहाँ पे फिट रहेगा, ये देखो भाई घड़ी कितनी मस्त लग रही है। ठीक है एक ये वाले लैंप भी खरीदे थे तो मैं इसको है ना इस वाले कोने में रख देता हूँ। और एक चीज मैंने ये वाला जो हिरण का सींग सा खरीदा था ना, मतलब हिरण ही है पूरी, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो अपनी ये वाली चीजें तो हो गई, एक बार मैं कार वॉश पे जाके अभी देख लेता हूँ शायद अपने पास कोई कस्टमर आ गया हो। ओके अपने पास कोई कस्टमर आ चुका है तो मैं जल्दी से चल के है ना इस बंदे की भाई कार वॉश कर देता हूँ। ओके चलो भाई धुला ले, नहीं भाई शायद ऐसे ऐसे करके, लेकिन इसकी थोड़ी सी मेरे को है ना टिप बदलनी पड़ेगी, उसी के बाद मैं कार को धुला पाऊंगा। और हम शिफ्ट दबा के है ना ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर कहाँ पे मिट्टी बची हुई है, तो सारी की सारी मिट्टी मैं एक बार साफ कर देता हूँ। ओके कार वॉश हो चुकी है, टास्क कंप्लीट हो चुका है। अंसवर दी फोन कॉल, तो अभी हमें शायद चाचा जी का फोन दोबारा से आ गया। भाई चाचा जी भी क्या यार बार बार फोन ही करते रहते हैं, बस यही काम है उनको। ठीक है तो मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। Finally it's over. Where was I? Have all right. I need your help. ठीक है छोड़ो यार क्या बातें करनी, बस ये यही बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपको सारी चीजें करनी है। अब भाई हम थोड़े बहुत है ना इस गेम में प्रो हो चुके हैं तो अब हमें ना चाचा जी की बात सुनने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास काफी सारे कस्टमर आ चुके हैं और हमारे पास नेक्स्ट टास्क ये आ गया भाई, बहुत ही गंदे वाला टास्क आ गया। हमें करनी है 100 कार फ्यूल एंड सोप कस्टमर सर्व करनी है, 250 कार रिपेयर करनी है 25 और रिसीव टिप करनी है भाई 100। इस वीडियो से पहले वाले पार्ट में भी यही वाली चीजें मैंने भाई की थी तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था यार इन चीजों में। तो एक बार मैं है ना यहाँ पे जितना भी कचरा है ना ये सारा साफ कर देता हूँ। यहाँ पे हर बंदे बहुत ही ज्यादा गंदगी, अरे भाई साहब यहाँ पे इतनी गंदगी कैसे हो गई। ठीक है एक बार यहाँ पे चल के, यहाँ पे भी काफी सारा कचरा हो रखा है तो एक बार इनको उठा के मैं फेंक देता हूँ और गार्बेज वाले को भी बुला लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी पेटियाँ सी हो गई हैं गार्बेज की, तो इस वाली पेटी को भी उठा के। और एक बार जो अपने पास ये वाला बंदा रखा है ना यहाँ पे भी मैं इसको तेल डाल लेता हूँ। ओके ये वाला टास्क भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास एक बंदा गैराज में भी आ चुका है तो इसको है ना मैं गैराज में भेज देता हूँ रिपेयर कार पे। चलो इसको भेज दिया है, अभी ये कार वगैरह रिपेयर कर देगा। और मैं एक बार अपने पीसी पे चल के देख लेता हूँ मैं क्या क्या चीजें यहाँ से और कुछ भी खरीद सकता हूँ, शायद पार्किंग खरीद सकता हूँ मैं।
ठीक है, यहाँ पे जाके हम टॉयलेट को बाय कर लेते हैं ताकि अपने टॉयलेट वगैरह में गेट वगैरह लग सके, ठीक है। और आगे चल के देखेंगे तो हम एक और फ्यूल डिजास्टर यहाँ से बाय कर लेते हैं। बाय हो जा भाई, ठीक है। अब हमारे पास दो फ्यूल डिजास्टर लग चुके हैं, हम एक और फ्यूल डिजास्टर लगा सकते हैं लेकिन अभी नहीं लगाने वाले। ओके, और क्या, बस तो ये वाला तो लगा ही दिया भाई मैंने, और तो कुछ नहीं है इसमें। चलो एक बार बैक चलते हैं और डेकोरेशन पे, एक मिनट रुको भाई, डेकोरेशन पे जाके मैं जो ये लैंडमार्क होते हैं ना, ये वाले मैं काफी सारे बाय कर लेता हूँ क्योंकि अभी अपने पास पैसे काफी सारे हैं, ठीक है। ये वाला पेड़ अपने गैस स्टेशन पे लग चुका है, दूसरे वाला पेड़ भी मैं बाय कर लेता हूँ। ओके, अभी एक और पेड़ बचा है तो ये भी बाय कर लेते हैं, ठीक है। इन सभी को मैंने बाय कर दिया है और अभी शायद मैं और चीजें नहीं खरीद सकता, एक बार देख लेते हैं, शायद खरीद सकते हैं हम। हाँ भाई, खरीद सकते हैं। और यहाँ पे काफी सारे भाई पैसे अपने है ना पेड़ लगाने में ही जा रहे हैं, तो एक बार है ना मैं ये वाला टास्क रहने ही देता हूँ क्योंकि यार अभी अपने को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या पता हमारे गैस स्टेशन पे इतनी भीड़ हो जाए और मेरे को एक और एम्प्लॉय हायर करना पड़ जाए, तो अभी मैं पैसे को बचा के रखूंगा। तो यहाँ पे भी एक बंदे, दो बंदे आ चुके हैं, इनको मैं जल्दी से है ना फारिग कर देता हूँ। एक बंदा फारिग कर दिया, अभी एक और बचा है, उसके बाद हम करेंगे अपनी वीडियो का एंड। तो यहाँ पे एक बंदा और आ चुका है, इसको भी मैं सामान दे देता हूँ फटाफट। चलो भाई, इसने है ना टोटल तीन आइटम खरीदे हैं, इसको भी मैंने फारिग कर दिया है। और एक बंदा अपना फ्यूल डिजास्टर पे भी आ चुका है। अभी देखो हमारे पास है ना, पहले एक गाड़ी आ पाती थी, मतलब एक टाइम पे है ना एक ही गाड़ी आती थी, अभी देखो हमने दो फ्यूल डिजास्टर लगा दिए तो हमारे पास दो गाड़ियां एक साथ आ सकती हैं। तो यहाँ पे भी इस वाले पुलिस वाली गाड़ी में तेल डाल देते हैं और फ्यूल भी हमारा काफी सारा लो हो चुका है, तो एक बार मैं ना फ्यूल की डिलीवरी भी दे देता हूँ यहाँ पे चल के। और ये हो गया अपना फ्यूल सप्लाई, यहाँ पे हम $100 तेल पड़ रहा भाई अपने को $225 में, मतलब ये यार कुछ ज्यादा ही महंगा करते जा रहे हैं पेट्रोल को। चलो मैंने ऑर्डर कर दिया है और अभी हमारे पास टोटल $93 बच चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं ये वाले टास्क कंप्लीट करूंगा ना, क्या फ्यूल कार रिपेयर वाले, अपने पास पैसा ऑटोमेटिक आता रहेगा। यहाँ पे एक और कस्टमर आ चुका है, इसको भी निपटा देते हैं। ओके, ये वाला बंदा भी निपटा दिया है और अभी भाई अपनी रेल बनी हुई है क्योंकि अभी है ना अपने पास एक और बंदा कार वॉश पे आ चुका है, तो इसको भी भाई जल्दी से है ना फारिग कर देते हैं, उसके बाद हमें वीडियो का एंड भी करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ओके धुल चुकी है। तो आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।